इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंद्रनगर अजमेर। हम जैन होने के नाते पूजा नहीं करते हैं, हम पुण्य के लिए पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि हर मजहब वाला तो कहता है कि इस धर्म को मानो नहीं तो नरक चले जाओगे, जहन्नुम चले जाओगे, पाताल में चले जाओगे, दुख पाओगे, हर धर्म वाला कहता है। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ तो कहते हैं हर धर्म वाला तो सिर्फ परमात्मा को परमात्मा और भक्त को भक्त रहने देता है। एक जैन धर्म ऐसा है जो भक्त को भगवान बना दे। कोई जरूरत नहीं कि हम आज ही मोक्ष पहुंच जाएंगे। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। और काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। सब लोग मिथ्यात को गालियां देते रहते हैं। वो लोग कहते हैं सारे देव तो देव हैं, लेकिन कुछ परम देव हैं, कुछ सुदेव हैं, कुछ कुदेव हैं और कुछ अदेव हैं। इनकी परख करना बहुत जरूरी है। जो देवादि देव हैं वो सुदेव हैं, परम देव हैं। कैसे हैं? भवनालय चालीसा, अभ्यंतर देवाण गंति बत्तीसा, कप्पा मर चौबीसो, चंदो सूरो नरो त्रियो। उन्हें तीन लोक के सारे महापुरुष देव इंद्र जो महान महान विभूति के धारी हैं, जो जिस पर्याय के सबसे श्रेष्ठ देव हैं, वो 100 इंद्र प्रतिदिन नमस्कार करते हैं। सारे देव नमस्कार करते हैं, सारे कुदेव नमस्कार करते हैं, और अदेव तो देव है ही नहीं। लेकिन हम किसी को भी देव मान लेते हैं। हम किसको देव मानते हैं? परमेश्वरी, परम ज्योति, विरागो विमला कृति, सर्वज्ञो नाधि मध्यांता, सर्वशास्त्रों पर लालते। हम किसको? ऐसे देव को देव मानते हैं। और यहां पर कहा है कि आगम का कहने वाला कौन है? आगम किसका? आगम किसको कहेंगे? जो आपके द्वारा कहा गया है, जो ऐसे वीतरागी हैं जिनका हर वचन अमृत का काम करता है, जिनकी एक झलक मिल जाए तो जो झलक प्रतिमा रूप में होती है, पाषाण रूप में भी होती है, तो मिथ्या दृष्टियों के मिथ्यात को नष्ट कर देती है। मानस स्तंभ में दर्शन करते ही मान स्तंभ हो जाता है। ऐसे देवादि देव के साक्षात चेतन तीर्थों के दर्शन कर लें, यानी चेतन परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, उस दिन हमारी चेतना भी परमात्मा बन जाएगी। उसी काल में भी तीर्थंकर बन सकती है। विदेह में हमेशा चेतन तीर्थों के दर्शन होते हैं, यानी तीर्थंकरों के दर्शन होते हैं। वहां दर्शन हो जाए तो हमारी चेतना भी, और कहा है कि यहाँ की प्रतिमाएं भी हमारे सम्यक दर्शन में निमित्त होती हैं। इन प्रतिमाओं को देखकर हमें ख्याल आता है कि भगवान निरखो अंगी अंग जिन वर की जासे झलके शांति अपार, चरण कमल जिन वरी कहे घूमा सब संसार। कहते हैं भगवान के चरण कमल भी कह रहे हैं कि अब और कहां कहां दर दर घूमता रहेगा, अब एक बार ठिकाना मिला है तो मुझ जैसा हो जा। भगवान की मूर्ति शिक्षा दे रही है। बहुत कर्ता बन लिया सबका, अब छोड़ कर्ता पने को, छोड़ हाथ पे हाथ रख ले। बहुत दुनिया को देख लिया। लोग कहते भगवान नासाग्र दृष्टि थी। मैंने कि नाक को थोड़ी ना देख रहे थे, नाक पे तो संसारी लोगों की बड़ी नाक होती है, ध्यान रखना। ये पूछ बड़ी खतरनाक होती है, और पूछ सबसे ज्यादा बड़ी पूछ तो मूछ वालों को होती, यानी मनुष्य गति में होती है। हमारी पूछ ही नहीं करी, हम तो वहां गए थे, हमें पूछा ही नहीं।
हमने कि तुम अपनी पूछ रख लो पहले, अभी ज्यादा पूछ रखोगे तो अगली जन्म में पूछ ही मिलेगी मूछ नहीं मिलेगी, इसलिए पूछ की फिक्र छोड़ देना। आदमी पूछ के लिए यानी नाम के लिए कितने खतरे मोल लेता है, जीवन को दांव पर लगा देता है। कोठरियों में भी जिया जा सकता है, फिर क्यों कोठियों में जाते हो? इसीलिए तो लोग क्या कहेंगे कि इतने छोटे मकान में रह रहे हो, इसीलिए तो कोठियों में चले जाते हैं लोग। और कोठियों में कौन मिलता है? दो प्राणी मिलते हैं, एक कुत्ता और एक पत्नी। जब लौट के आए तो कौन मिलता है? पहले कोठरियों में रहते थे लोग, कहते थे पहले एक छोटा सा कमरा होता था, उसमें माँ बाप, छह बहन भाई, दादा दादी भी रह लिया करते थे, और कमरा बड़ा लगता था, इसलिए हम मेहमानों को बुलाकर उसमें सत्कार कर दिया करते थे। अब नालत है जोर पर कि कमरे बहुत हैं, आदमी रहने वाला नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से बैर बहुत है, एक दूसरे को एक दूसरा देखकर नहीं सुहाता। ऐसी जिंदगी को तुम जिंदगी कहते हो? लोग कोठियों में चले जाते, क्यों चले जाते हैं? अरे कमरों में किलकारियां थी, कोठियों में सूनापन है, इसलिए कोठियों की चिंता मत करो। जाना है तो एक बार सीधे अपन कहां जाएंगे? मोक्ष महल में जाएंगे। जाना है तो उस बंगले में जाएंगे जिसके बाद बदलने की कभी नौबत नहीं आएगी। क्या रखा है दौलत जहान में, क्या रखा है दौलत जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में? जहां रखा है वहां तू जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं, एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। नाक की अजीब सी धाक है, और कोई पीछे से नाक ना काट ले, इसलिए आंखों के नीचे नाक है, इसलिए आंखों के नीचे नाक है। लोगों को बड़ी चिंता होती है, बोले हम अपनी नाक नीची कर दें क्या? ध्यान रखना, घर में झगड़ा हो जाता है तो दोनों ही सोचती हैं, देवरानी भी सोचती बोल तो लो, जेठानी सोचती बोल तो लो, लेकिन दोनों सोचती पहले कौन बोले, और वो खतरा ज्यादा ही बढ़ जाता है। सास बोलती मैं सास हूँ, आखिर पहले मैं बोलूंगी कि वो बोलेगी? अपनी बेटी जैसी दृष्टि लाना, बेटी यदि चिल्लाती भी और कोई पड़ोसन पूछे तुम्हारी बेटी बड़ी चिल्ला रही थी, कहने लगी नहीं जी उसे तो हंसने की आदत है। यदि कोई 9 बजे भी तुम्हारे घर पहुंचे और कोई कहे बेटी आपकी सो रही है अभी तक, इतनी देर तक सोती है? लगे जी 8 बजे तो पूरा काम निपटा के सोई है। तुम ऐसे आड़े हाथ लेते हो अपने बच्चों की भी गलती। अपना बच्चा शराब पिए बोले अजी वो तो प्रासूत पानी घर में से बोतल में ले गया था, और पड़ोसी का बेटा पानी ले जाए, कहने लगे देख लो बोतल हाथ में, अब तुम खुद ही देख लो मैं क्या कहूँ। मैंने कह भी दिया और मैं क्या कहूँ भी कह दिया, अपना पल्ला भी झाड़ दिया। ऐसा मत करना, ये दृष्टि जब तक है तब तक तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो। जिस दिन तुम्हें हर का बच्चा अपना बच्चा नजर आने लगे, समझ लेना भगवान आप आगम कैसे होते हैं। ना निंदा नाथ विवांत वैरी, भगवान आप निंदा करने पर भी वैर नहीं करते हो किसी पर। 10 भव तक जिसने वैर किया, पीड़ाएं देकर मनमानी, ध्यान रखना ऐसा कमट भी। कल्याण मंदिर में एक बात कही है कि भगवान आपने कहा है कि कर्मों को नष्ट कर दिया, कर्मों को जीत लिया। अरे जीतने के लिए अस्त्र शस्त्र कुछ चाहिए पड़ते हैं? आपके पास तो अस्त्र शस्त्र थे ही नहीं। तो बड़ी अच्छी बात कही है कि ज्यादा सर्दी से भी तो पत्ता गल जाता है। भगवान के अंदर इतनी क्षमा थी कि उनकी क्षमा से शत्रु झुक गया, नम्र हो गया, नष्ट हो गई शत्रुता। हमारे अंदर भी इतनी कोमलता आ जाए कि हम किसी से भी जिससे भी छोटी मोटी बात हो इस चतुर्मास में निपटा लेना, वरना नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता है, हमारी पूजा पाठ नहीं रोक सकता है। अनंतान बंदी होगी तो कहाँ जाएगा? नरक में ही जाएगा। तो ध्यान रखना हमको नरक में नहीं जाना, क्योंकि अनंतान बंदी किसके साथ रहती है? मिथ्यात के साथ रहती रहती है। इसलिए हम परमेश्वर जी को नमस्कार करके परमात्मा को, ऐसे परमात्मा को जो कि जो बोले वो आगम हो जाता है, और जो उसके मार्ग पर चले
वो तपोव्रत यानी तपस्वी हो जाते हैं, देव वंदनीय हो जाते हैं। कैसे साधुओं को नमस्कार करते हैं, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सब प्रशस्त विश्वासा वसाती तो निरारंभ परिग्रह। जो किससे रहते हैं और किससे सहते हैं, तो कह दिया ज्ञान ध्यान तप में निरंतर लीन रहते हैं। और ज्ञान भी सिर्फ शब्द ज्ञान नहीं करते हैं, शास्त्रों का ज्ञान अकेला नहीं करते हैं, उन्हें यदि हो सकता है किसी साधु को नमोकार मंत्र भी ठीक से नहीं आता हो, अस्त प्रवचन का मातृका का ज्ञान हो, पांच समितियों और तीन गुप्तियों का ज्ञान हो, तो उसे केवल ज्ञान हो सकता है। इसलिए ज्यादा दिमाग में टेंशन मत रखना, हमें कुछ याद ही नहीं होता। एक महिला आई और बोली माता जी याद नहीं होता है। हमने की कुछ तो याद होगा, बोली आपकी कसम कुछ याद नहीं होता। मैंने की मेरी कसम क्यों खा रही है, बोली आपके आगे पीछे कोई नहीं। मैंने की बड़ी बेईमान है। फिर मैंने बोला तुम्हारे बच्चे कितने हैं, बोली सात लड़के हैं। और उसने खटाखट हमने की उनके बारे में कुछ याद है, बोली सातों की फलाने फलाने गांव की बहू है, ऐसी से समझी है, इतना आया था इतना नहीं आया था, इसके टाइम में झगड़ा हुआ, उसके तो पिहर वालों से बोलती नहीं, उसका बेटा ये पढ़ रहा है, उसका बेटा बाहर गया, उसके उसने पूरे 25-30 पोते पोतियों के नाम बता दिए, बेटे बेटियों के, नाती माती के, क्या पता कहाँ कहाँ के, संती पंती के, और उनके रिश्तेदारों के इतने नाम उसको याद थे कि भगवान जाने 100-150 से नाम बता दिए उसने रिश्तेदार मिला के। तो मैंने कही अम्मा धन्य हो, तेरी बुद्धि कितनी अच्छी है, तेरे अंदर इतना कबाड़ खाना भरा हुआ है, तेरे अंदर इतना कोलाहल है कि बाहर से तो कोई हल नजर में आता है कि नहीं। अब तुझे इतनी सारी बातें याद है, अब धर्म की क्या बात खा के याद रहेगी। अरे दिमाग को हमेशा खाली रखो, इतना खाली रखो कि जो बात यहां से कही जाए तुम्हारे अंदर चली जाए। हम अदेव को नहीं पूछते हैं, हम तुलसी गाय और पत्ते पेड़ पौधों को नहीं पूछते हैं, ये नियम से केंद्रीय है, इनको कैसे पूजेंगे, इनके नियम से मिथ्यात का उदय गए, इनको कैसे पूजेंगे, ये भला देवता कैसे हो सकते हैं। नदी आदि सब आपको पता है पांच स्थावरों में से है, जल का एक, पृथ्वी का एक, और हम पेड़ पौधों को भी नहीं पूछते हैं, हम पर्वतों को भी नहीं पूछते हैं। लेकिन हम यदि पूजते भी हैं कभी पर्वतों को, तो क्यों पूजते हैं, जहां हमारे पर्वतों पर हमारे योगियों ने ध्यान लगाकर परम परमात्मा का पद प्राप्त किया है, उस भूमि को पूछते हैं कि वो भूमि में ऐसे परमाणु होंगे जिन परमाणुओं का अंश भी हमारे अंदर आ जाए तो हम भी उसी वंश में जाकर पैदा हो जाएंगे। उस वंश में नहीं, पेड़ पौधों में नहीं, हम परमात्मा के वंश में पैदा हो जाएंगे। ध्यान रखना, रागियों की रजकण लग जाए तो बाहर आके नहाते हो, शमशान से आके कहाँ नहाते हैं, घर के बाहर नहीं तो अब तो सब कुछ बेकार हो गया, बाथरूम में जाकर नहा लेते हैं। पहले घर के दरवाजे के बाहर नहाते थे कि हम मुर्दे को जला कर आए हैं, अब तो घर में ही चले जाते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि वो रागी था, वो अपने जीवन को शमशान बना गया, अपने जीवन में करोड़ों जीवों का घात कर गया, अपने परिणामों से निरंतर पाप बंद करके गया, इसलिए नहाते हैं। और त्यागी का वीतरागी देव अर्यंत देव का निर्वाण होता है तो स्वर्गों के देवता कल्याणक बनाने चले आते हैं, पूजा और उपासना करते हैं। क्योंकि मरना है तो हम रागी की तरह नहीं मरेंगे जो शमशान जाए, हम राग से आए थे, हमारी मजबूरी थी, राग से दुनिया पैदा होती है, लेकिन त्याग से जाएंगे हमारा पुरुषार्थ होगा। तो सिर्फ हम जैसे हम लोग जैसी पद पर आप आ जाओ और उसके बाद भी परिणति नहीं सुधरेगी, अंदर में भावों में परिवर्तन नहीं आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले कुछ और करते थे, वहां नोट गिनते थे, यहाँ माला गिनने लगोगे, लेकिन मन को बदल लोगे तो स्वयं माला माल हो जाओगे। माला माल का हो जाओगे का मतलब परमात्मा हो जाओगे। एक व्यक्ति बोला माता जी हम 100 माला फेरते हैं,
और फिर भी परमात्मा कुछ चमत्कार नहीं दिखाता। हमने कि तेरे घर के आगे सुबह से शाम तक कोई तेरा नाम ले तो तू बता क्या करेगा? बोले मैं तो उसका सिर फोड़ दूंगा। मैंने कि तू बिल्कुल अंतरंग तो बदलता नहीं, दिन भर परमात्मा का नाम लेगा तो परमात्मा क्या करेगा, तुझे भगा ही देगा। अरे अपनी परिणति बदलो, एक बीज दूसरे बीज की पूजा में लग जाए तो जिंदगी भर पूजा करे तब भी बीज वृक्ष नहीं बन पाएगा, और एक बीज दूसरे बीज की प्रक्रिया को, चरण को, आचरण को देखकर उसके समान हो जाए अपने श्रद्धा ज्ञान और चारित्र को, बीज को बीज की तरह विलुप्त होना पड़ेगा, तब कहीं जाकर सम्यक दर्शन का अंकुर आएगा और ज्ञान की शाखाओं में चारित्र के फल लगेंगे तो हमारा जीवन एक दिन सफल बनेगा। हम अदेव को बिल्कुल नहीं पूजना, किसी को भी पूज लो ऐसी बात थोड़ी है, हम पूजते भी हैं तो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को, परमात्मा उस पुद्गल पिंड को जिसमें परमात्मा विराजमान हो गया, ऐसे साधु को, तपोधन को, जिस किताब में कागज के पन्ने कागज के होते हैं लेकिन जब जिनवाणी लिख जाए तो हमारे लिए पूजनीय हो जाते हैं। और जब परमात्मा की प्रतिमा पत्थर की होती है, पत्थर हम नहीं पूजते हैं, लेकिन जब परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं तो परमात्मा हो जाती है, एक पत्थर भी प्रतिमा हो जाती है, परमात्मा हो जाती है। तो ध्यान रखना, हम आज के दिन ये संकल्प लेकर जाएंगे कि परमात्मा आज के बाद हमारा सर झुकेगा तो कैसा परमात्मा के आगे झुकेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान सुभाष चंद्र जी जैन, श्रीमती उमा जैन जी, पुत्र श्री भरतेश जैन, श्रीमती मालिनी जैन, श्री पराग जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती निधि जैन, नानोता वाले, मंदाकिनी विहार, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, श्रीमान चंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती सरोज जैन जी सपरिवार, वड़तला यादगार, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, श्री मुकेश जैन जी, श्रीमती पूनम जैन, मेहल जैन, प्रियल जैन, DSO कंपाउंड, कोर्ट रोड, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, श्री विवेक जैन जी, 604 मंटोबा, महागुण मॉडर्न, सेक्टर 78, नोएडा, स्वर्गीय श्रीमती मैना देवी पाटनी, तिनसुकिया, गुवाहाटी एवं कृष्णानगर, दिल्ली परिवार,